गुड मॉर्निंग बच्चों, यस स्विच ऑन सर जी, अपना माइक्रोफोन बंद ही रखो जब तक। हाँ गुड, कोशिश करो चैट को भी यूज कर लो और जब मैं बुलाऊं। शाबाश शाबाश हरिया, टाइम प्राप्ति, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे स्पेसिफिक मीट। Principle of superposition, और लिखिए लिखते लिखो of electrostatic forces, पहले लिखो मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे, electrostatic force between two charges is independent of presence of other charges. That is force between two charges is not affected if some third charge is brought near them. Language self-explanatory है, फिर भी मैं उसके बात करूंगा। ये तो Q1 चार्ज है और यहां पे Q2 चार्ज है, तो फोर्स ऑन 1/2 लग रही है, यानी कि Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगा रहा है, कुछ लगा रहा होगा। कहता है इतने ही देर में हमको पिक्चर में नया चार्ज में आए Q3, तो क्या ये Q1 को फोर्स नहीं लगाएगा? लगाएगा। क्या ये Q2 को नहीं लगाएगा? लगाएगा। Q2 Q3 को सभी लगाएंगे। कहता लेकिन इसके आने से ये लगाए 100 बार लगाए, ये जो फोर्स ऑलरेडी लग रही थी ना, ये अनचेंज रहेगी, यानी Q2 की फोर्स का Q1 पे जो लग रही थी वही उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन एडिशन टू दिस ये अपने लगा दे बाद में, तो इसका फिर कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है कि Q2 Q1 को फोर्स लगा रहा है। अभी हम फाइनल स्टेटमेंट आने हैं, तो Q3 भी लगा सकता है उसको। Yes, this is force on 1/3. Again, force on 1/3 as if the Q2 is not present. तो ये अपनी force लगाएगा, इसको Q2 की परवाह नहीं होगी। तो फिर यहां से what does it? इसका फायदा क्या होगा? Principle of superposition gives expression
ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज बाय मल्टीपल चार्जेस एंड कॉलिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स ऑन अ चार्ज is equal to ये तुम कर चुके हो ना इतने वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस due to all charges force by any charge on the given charge is calculated while assuming that other charges are absolute. अभी यार मेरे पीछे लिखते जाओ, जब मैं कंक्लूड करूंगा ना, मुझे अपनी प्लस टू याद है तो मुझे इस पर कोई खास बात नहीं लगी थी, यहाँ मेरे टीचर ने अच्छी तरह बता पाया मुझे, यहाँ मैं समझ नहीं रहा था और क्या नहीं, मैं अब टेल यू। तब हुआ क्या, हमारा ध्यान पता क्या है, एज शोन इन फिगर वी आर इंटरेस्टेड इन फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। क्यू वन पढ़ा हुआ है, क्यू टू भी पढ़ा हुआ है, बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन हमारा ध्यान है Q1 पे कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, फिगर पे एन चार्जेस हैं, टू फाइंड फोर्स ऑन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, Q1 by other charges. So yahan pe it is good agar hum jo kal coulomb law in vector form kiya tha wo wali notation use kar lenge, तो मेहनत आपको जरूर करनी है। रुचो देखो, मैंने कल देखा होगा, हमने पुराना भी रिवाइज करवाया, तो ये ऑब्वियस नेम्स हैं, कल बता चुका हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू थ्री एंड सो ऑन। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, नेट फोर्स ऑन वन net force on Q1 is given by principle of superposition, ने जो बोला था मैथमेटिकली, इसे मैंने F1 नाम दे दिया, F1 to F1 3
एंड एफ वन एम। तो अब मेरी हेल्प करो यार, ये कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू का क्यू इनटू आर वन टू वेक्टर 1/4 पाई। अपनी कॉपी चेक कर लेना अगर ना याद आए तो, ठीक है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए। मैंने यूनिट वेक्टर वाला नहीं यूज किया, जो सेकंड स्टेप था वो यूज कर लिया। एक्नॉलेज थ्रू कर देंगे, हाँ हम अपने आप अपनी कॉपी से देख सकते हैं। कॉमन देखना शुरू कर दो कि क्या कॉमन आने वाला है। इस एक्सप्रेशन को छोटा करना है हमने। Q1 सब में कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ ही रहा है, तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी ऐसा दिखती। ऊपर वेक्टर है, नीचे उसका मॉड है, मॉड का क्यू। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को क्रैम ना करना पड़े, हालांकि एंड में क्रैम करना पड़ता, लेकिन लॉजिकली चलने की कोशिश करिएगा। इसको भी हम समेशन फॉर्म में ला सकते हैं, all you might know the summation form as well. q1/4 pi epsilon naught summation I go from 2 to n because q2 से स्टार्ट हुआ है 2, 3, तो यहां पे हमारे पास 1 सब में कॉमन है, 1, 1, 1, 2, 3 चेंज हो गए, क्यू आई और 1i अपॉन जहां वेरिएबल है वहां r1i क्यू और सारे की ध्यान देना, कोई मेरे से कोई ऑब्वियस मिस्टेक हुई तो देखिए उनको। ये बोर्ड एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस बोर्ड एग्जाम में लिखने को आ सकता है। दो नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल लिखो और एक्सप्रेशन लिखो, और एमसीक्यू को हमेशा उसका बना ही सकता हूँ एबीसीडी ऑप्शन से। अनंदिका वेयर आर यू? अब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स हमें कल याद है आर वन टू वॉज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, और फिर बिना डायग्राम के है ना आर वन आई can be written as R1 minus Ri, दोनों जगह पर प्लेस करो। अगर वो बोर्ड एग्जाम में स्पेशली लिखी दे एक लाइन कि एक्सप्रेस द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर्स, तो आपको ये लिखना पड़ेगा फाइन, बिकॉज दिस इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ वन, दिस इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ आई एच चार्ज। तो
We are through with it. अब बच्चों को थोड़ी सी यहाँ पे ना जो आपने पूछा नहीं या सोचा नहीं या सोचा होगा तो भी नहीं पूछते मुझे प्रिंसिपल सुपरविजन मेरे को प्रिंसिपल वाली बात लगी नहीं थी आप आ रहे हो मेरे साथ आगे चलो पहुंचो तो व्हाट्स द पॉइंट कि मुझे लगा कि इस पे कहने की जरूरत क्या है क्या कि Q1 है Q2 है तो Q1 Q2 को फोर्स लगा रहा है ओके Q3 आया तो वो भी लगाएगा ही नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही होता है तो हमने कह दिया कि सारी फोर्सेस का एड ऑन है तो उसमें प्रिंसिपल वाली क्या बात है तो तब मुझे ये नहीं पता था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि there are few forces which do not obey the principle of superposition. They are called saturated forces और nuclear force के बारे में बात करेंगे तब हम थोड़ा सा वो उसका mechanism भी बताऊंगा आपको मैं 1:1 mechanism होता है exchange forces बोलते हैं हमको अभी आप knowledge की तरह सुन रहे हो there are few type of forces कि यहाँ पे जो nuclear force बताई मैंने आपको nucleus के अंदर है particles ये nucleus है मैंने अपना ही doubt जो एक student का doubt था स्टूडेंट मैं था जो तो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन है और प्रोटॉन बैठे हैं न्यूट्रॉन बैठे हैं इनके आसपास दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड फोर्सेस अब इस प्रोटॉन से पूछे ना कि तुझे एक तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को भूल जाओ वी आर टॉकिंग अबाउट विच फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्स जो बड़ी स्ट्रांग थी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस उसमें होता क्या बच्चों ये प्रोटॉन एट ए टाइम अगर इससे बात कर रहे तो उस वक्त इनकी फोर्स को महसूस नहीं कर सकता अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर ये इससे बात कर रहे तो इससे बात करना बंद कर देगा तो इसका मतलब हमें बताना जरूरी था देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस तो जो उसमें से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं वो कहती है एन नंबर ऑफ चार्जेस क्यू वन Q1 कहता है Q2 तो मुझे फोर्स लगा रहा है आधा ठीक है Q3 तूने लगा रही है तू भी लगा ले चलो पक्का लिखे Qn तूने लगा रही है तू भी लगा ले तो कुछ नेचर के अंदर ऐसा फोर्स होगा ऐसा अजीब सी कुछ बातें कि one can sense the force of all of them simultaneously gravitational force is also a force which obeys the principle of superposition but nuclear forces do not obey the principle of superposition एक लास्ट इतनी सी लाइन तो लिखो न्यूक्लियर फोर्सेस स्टार डाल के ना इस चैप्टर का नहीं है वो वैसे न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और अगले स्टार में ग्रेविटेशनल फोर्सेस आल्सो ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिस वाज ऑल हार्ड वर्क Most of the examples will not carry the typical I cap J cap. I'll start with a very simple one. There are two charges which are separated by 8 meter and in the center mein bilkul common sense type question hai
आप रेडी हो जाओ कि आप ही ने करना है। और यहां पे प्लस वन माइक्रो कूलम चार्ज चार्जेस और कितना कितना डिस्टेंस है, इट इज एट 4 मीटर, इट इज एट 4 मीटर एंड 0.5 नेट फोर्स ऑन बी बाय ए एंड सी ऑन सी बाय ए एंड बी। अब करो कुछ, यू शुड डू इट। यहां पे आप राइट और लेफ्ट बोल सकते हो, चलो करो अपना, फिर भी परफॉर्मेंस है करो, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा उसमें वो नहीं। फिजिक्स फॉर्मूला 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 / R2।
कैलकुलेशंस आप डेसिमल में ला रहे होंगे, मैं अजय साहब की सब फर्स्ट आई होप सभी ने कर लिया होगा। तो मेन बात ये है, मैं आपको सभी को थोड़ा छोटा बच्चा मानते हुए मेरी तरफ देखो, है मैं माइक्रोफोन इज ऑन, यस आपने कर लिया ना उसको भूल जाए मिनट के लिए, मतलब देयर आर टू चांसेस, सो मेरी बात सुनो बस सारे जीवन आपने कि आपका ठीक है गलत दोनों हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बात है जो मेरे मन में बात है मैं करवाना चाहता हूँ, मेरे मन में बात है कि हमेशा हमने ऑन पे ध्यान देना है। आज तीन चार चीजें कल को पांच हो सकते हैं, तो मुझे अगर ऑन बी चाहिए ना फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ बी से पूछता रहूंगा बी व्हाट इज हैपनिंग टू यू, तो बी तुझे कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, बी कहता मुझे ए फोर्स लगा रहा है, ये प्लस है ये प्लस है, तो बी पे खड़े होके ए इसको क्या कर रहा है रिपेल, तो मैंने बोल दिया ये एरो लगा दिया बी के ऊपर फोर्स ऑन बी बाय ए। सिमिलरली फिर बी से पूछा सी भी तुझे कुछ कह रहे हैं, कहता यस, सी तुझे अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, कहता प्लस प्लस है तो रिपेल कर रहा है। तो ये दो फोर्सेस मैंने बना दी, यहां तो नहीं मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा आई कैप लेके राइट को, यहां मैं देसी तरीके से बात कर सकता हूं, मुझे डायरेक्शंस मिल चुकी हैं, क्या मिल चुकी है ये राइट को और ये लेफ्ट को, इन दोनों का रिजल्ट कैसा आना चाहिए, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन। तो जब मैंने फोर्स ऑन बी निकाली दोनों के बीच में, ये वाली बी और ए के बीच में, तो यहां चार्ज मैंने कौन सा लिखा, ए वाला, ए का चार्ज बोर नहीं होना था जिन बच्चों को आता है थोड़ा सा ये, और ये इनका डिस्टेंस ये लिख दिया। और आई होप कैलकुलेशंस मैंने ठीक करी है, 9/16 -12 -2 न्यूटन राइट। सिमिलरली यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स में मैनिपुलेशंस करी है, जब मैंने बी से पूछा सी तो मैं क्या कह रहा है, तब मैंने इन दोनों के बीच में तो मैंने 5 μC, 1 μC और 4² और कैलकुलेशन कुछ उस तरह से आ रही थी, लेकिन मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके ये ऑर्डर सेम रखने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। मुझे साफ दिख रहा है ये 9/16 है, 9/32 है, यानी कि दिस फोर्स 9/32 × 10⁻²-2, दिस फोर्स 9/16 × 10⁻², और ये बड़ी फोर्स है बिकॉज ये 16 है 32 है। अब बोर्ड एग्जाम में भी अगर कोई कंपटीशन है तो बात ही क्या है, इसको अलग से दोबारा यहां ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज 9/16 × 10⁻²-2, दिस इज 9/32 × 10⁻²-2, नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड नेट विल बी हाउ मच, 9/16 × 10⁻²-2 - 9/32 × 10⁻²-2, इट विल बी, और किधर को आ जाएगी फोर्स, लेफ्ट। तो थोड़ा सा अगर बड़े बच्चे मानू तो कोई बच्चा इसको आई कैप और इसको माइनस आई कैप लिख सकता था तो भी अपने आप हो जाता। अगर किसी ने फ्रैक्शंस में निकाली है सॉरी डेसिमल में, वो भी अपना बच्चा चेक कर सकता है, किनका ठीक हुआ है। यस सर, सर मैंने आई कैप माइनस आई कैप में करा है। ड्राइवर से की आंसर तो सेम आना चाहिए, देखो कैलकुलेशन तो सेम आनी चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आई कैप लिखा होता है। सेकंड पार्ट चैलेंज विल बी जब नेगेटिव चार्जेस भी यूज करेंगे आपको, फोर्स ऑन सी
तो मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम नया बना लेता हूँ। बस मैं माइक्रो बोला, मैं आप में से छोटे से छोटे बच्चे को कवर करना चाह रहा हूँ। एक बार तो सी से पूछो, बड़े से अपने सी सी कहता मुझे ए, सी कहता सेम सेम चार्ज है तो मुझे ए जो है वो पुश कर रहा है, फोर्स ऑफ सी बाय ए। तो बी क्या कर रहा है तुम्हें, बी भी कहता मुझे पुश ही कर रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनका मैग्नीट्यूड निकालो और इन्हें ऐड कर दो और नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट। अच्छा राव, आर यू विद अस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट? तो सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में 9 × 10⁻⁹, बल्कि मैथमेटिक्स आप करो, 10 × 10⁻⁶ इंटू 5 × 10⁻⁶ अपॉन 8² अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा बिकॉज इनका डिस्टेंस 8 है। फोर्स ऑन सी बाय बी 9 × 10⁻⁹ 1 × 10⁻⁶ 5 × 10⁻⁶ अपॉन 4² ये भी राइट हो, ये भी राइट हो। आज मैं ग्रुप बना दूंगा तो ग्रुप पे आप शेयर करो, कर देगा आगे सेंसर्स। तो नेट फोर्स विल बी इन दोनों का सम। आई एम लीविंग इट हियर एज इट इज, आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद दिस क्वेश्चन वी विल आल्सो डू, हाँ पहले आपसे पूछता हूँ फिर शॉर्टकट बनाएंगे, क्रैमिंग करेंगे फिर। सी चार्ज प्लस फोर ई डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर एक्स डिस्टेंस, find x so that net force on charge plus q placed at c is 0. थोड़ा और कर दूं, इसको मैंने x डिस्टेंस बोल दिया और ये 9 मीटर गिवन है, यानी कि मैं इसको और आगे पीछे करना चाह रहा हूं, कहां रखूं कि इन दोनों की फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाए। द क्वेश्चन इज अगेन फॉर यू, कुछ पूछ रहा हो आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हुई हो
आप अपना कर रहे हैं तो करते रहिए, अगर अभी तक नहीं किया तो डोंट सी टुवर्ड द बोर्ड। कितने कर लिया? यस सर। गुड, तो जिन्होंने कर लिया नहीं भी कर लिया मेरे साथ ही आओ। करना क्या सिंपली कि यहाँ पे अगेन नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू है, तो ये मेरा हीरो क्यू, तुझे क्या हो रहा है? कहता मैं मुझे ये इधर को पुश कर रहा है, वो उधर को पुश कर रहा है। ओके, हमने दोनों फोर्सेस निकाल लिए। डिस्टेंस एक्स दिया हुआ था, नाइन था, नाइन माइनस एक्स हो गया। तो सी की फोर्स सी के ऊपर ए कितनी लगा रहा है ये निकाल लिया हमने, सी के ऊपर बी कितने लगा रहा है ये निकाल लिया हमने, और दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, जिस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो बराबर कर रहे हैं मतलब के ई इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के फोर ई इंटू क्यू अपॉन नाइन माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इट इज मोर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक के जरिए कर लो, या किसी और तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो फिलहाल मैं देखूं कट के आ रहा है, इट इज फोर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वाड्रेटिक के बिना ही कर रहा हूँ, दो रास्तों से कर दूंगा, या तो क्वाड्रेटिक बनती या मैंने इसका वो ले लिया अंडर रूट, लेफ्ट हैंड साइड इज, एक आध स्टेप मैंने खा लिया। तो टू केसेस, नाइन माइनस एक्स इज टू एक्स, नाइन इज थ्री एक्स, एक्स इज थ्री में यहां करेंगे तो एक्स विल कम आउट टू बी माइनस नाइन मीटर, इसे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि एक्स माइनस बाहर चला जाएगा चार्ज जो कि नहीं आता। आंसर इज थ्री मीटर। जल्दी से नोट करो इसको, और इसी का हम शॉर्टकट बनाने जा रहे हैं, मतलब एक जनरल क्वेश्चन के लिए। तो आप नया लिखोगे, आप आलस नहीं करोगे जो मैं करने लगा हूं, मेरी मैं आलस। तो यहाँ पे नया डायग्राम बनाओ, इसे डी कर दो, इसे क्यू वन, इसे क्यू टू। न्यू क्वेश्चन, नया लिखो, नया नया डायग्राम बनाओ, d minus x, find x so that, अब नया नई लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, चार्ज q is in equilibrium, ठीक है। शॉर्टकट्स आर डेंजरस अगर हमने ध्यान से नहीं करे तो, और अगर ध्यान से करें तो दे आर रूम।
एग्जाम में 30 सेकंड भी बच जाए ना अगर, बड़ा कॉन्फिडेंस बनता है। आप बिल्कुल नया लिखोगे, यू डोंट हैव द लग्जरी टू मिटा के आप लिखो। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हमने क्या कहा कि सी तो नहीं कर रहा है, कहता क्यू वन मुझे लगा रहा है, मे क्यू वन क्यू वन एक्सप्रेस कितनी डिस्टेंस है। यहां मैं आपकी मैथ की हेल्प कर रहा हूं, तो अब यहां थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए तो मैंने आपको एग्जांपल करवा दी हुई है, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन तो आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम वो प्रूफ करने में, उसकी जरूरत नहीं है, बहुत बड़े हुए हैं। ये आ गया, तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज। जिनका हाथ से थोड़ा तंग हो मैथमेटिक्स में, दे शुड नॉट वरी, दे शुड कीप ऑन डूइंग। आई इनवाइट यू टू क्रैम दिस फॉर्मूला। मैं क्रैम कर रहा हूं तभी बोलूंगा जब दो चार जगह पे इसका फायदा होता होगा, तीन चार पांच जगह पे। इसको क्राइम कैसे करना है, आओ मेरे साथ। इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर हमें दो चार्जेस जिनका डिस्टेंस डी दिया हुआ है, जिस चार्ज से डिस्टेंस ढूंढना हो, क्यू वन से ढूंढना है, सो दैट दिस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, उस केस में टोटल डिस्टेंस अपॉन, ये फिगर पता चल रही है, जहां से डिस्टेंस लिया है दूसरा ऊपर है, लेकिन ये Q2 है Q1 है। अभी आपसे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं पूछने लगा हूं, बनेगा नुमेरिक के लिए, लेकिन उससे पहले दो कॉन्सेप्ट उसके अंदर है जो आपने चैलेंज करना है अपने आप को। यस, वी आर अ ग्रोन अप इंडिविजुअल, तो हम ही बताएंगे, मतलब इस मोड में नहीं आना, सर बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो ठीक। तो मेरे दो क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एक सेकंड के लिए वापस आओ। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द इक्विलिब्रियम पोजीशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। रीजन इज वेरी सिंपल, इट गेट्स कैंसल्ड आउट इन कैलकुलेशन। उसने इसको फोर्स लगाई, उसने उसको लगाई, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो एक्स की वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये चीज नोट करने वाली, ठीक है, इसको हाईलाइट करो उस पॉइंट को, दैट इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यहां आई मेरा क्यू बना, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू।
फाइन फैंटास्टिक। हमारी क्वेश्चन है कि यहाँ एक ये पड़ा हुआ चार्ज, ये नेगेटिव है, और मैं यहाँ कहीं पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। कैन चार्ज एट सी बी एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो राइट योर आंसर्स इन चैट। नंबर वन क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन ही वन है। अगला क्वेश्चन गेस करना करेंगे हम इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, उसको थोड़े दाएं बाएं कर देंगे हम। फर्स्ट आंसर देखो, चैट में सिर्फ सैम ने लिखा है, बाकी या तो चैट को लिख नहीं पा रहे, मे बी उनके पास फोन नहीं है। तो व्हाट अबाउट सी, मैं सी से पूछूं तुम्हें क्या हो रहा है, सी तुम्हें ए क्या कहता है? सी कहता है सर ए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मुझे रिपेल कर रहा है, इसको ना पता चले पूछ सकते हैं फोर्स ऑन सी ए। तो सी तुम्हें बी क्या कर रहा है, कहता बी नेगेटिव है, तो बी मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो सी को ये रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है। सभी क्लियर है बात? अनादि का प्राप्ति जीवन ऐसी रात, अगर ही क्लियर है तो फिर इसका मतलब इसकी नेट फोर्स जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारा आंसर यहां पे आ गया नो। तो फिर आपने नोट क्या किया, अगर ऑपोजिट चार्जेस पड़े हो तो उनके बीच में देयर कैन नॉट बी एनी इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने जो यहां क्वेश्चन किया था इससे पहले भी कर चुके हैं, वहां पे देखा था आपने दोनों सिमिलर चार्जेस थे, यहां पे हमने प्लस ई रखा हुआ है, प्लस फोर ई रखा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो ये इधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा, इवन माइनस ई और माइनस फोर ई ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, ये भी चलेगा। तो ये एक अट्रैक्ट करेगा, दूसरा भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो दोनों केसेस में जहां पे सिमिलर चार्जेस हो देयर कैन बी इक्विलिब्रियम पोजीशन इन बेटर। अब क्वेश्चन रहता है ये वाला, इधर आओ। तो सैम तुम्हारा आंसर इसके लिए क्या है, कोई और बच्चा? क्या ये सी ये इक्विलिब्रियम हो सकता है? ये टफ है थोड़ा सा। पहले सी से पूछते हैं तेरे फोर्सेस कैसे चल रही हैं। सी कहता, सी से पूछना है, सी तुझे ए क्या कर रहा है? ए कहता मुझे रिपेल कर रहा है, तो सी के सिर पे ऊपर लिखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सी तुझे बी क्या कर रहा है? बी कहता नेगेटिव है, मुझे खींच रहा है। एक बात तो हुई कि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है तो जीरो हो सकती हैं, लेकिन एक पंगा पड़ रहा है। पंगा क्या पड़ रहा है? ये लार्ज चार्ज है,
और बट नियर भी है, नियर मतलब इसके बिल्कुल पास बैठा हुआ, एक तो बड़ा चार्ज है पास बैठा हुआ, ये 4e के मुकाबले ये कितना है स्मॉल चार्ज है, और कहां बैठा हुआ नजदीक या फार, फार बैठा हुआ है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो सकती है कभी? रीजन, ये फोर्स हमेशा ही लार्ज होनी है, सॉरी ये फोर्स हमेशा कैसी होगी स्मॉल, दूर वाला तो स्मॉल फोर्स लगाएगा, और ये बड़ा होके नियर है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी। तो यहां भी जो नेट फोर्स है ना, फोर्सेस ऑपोजिट होते हुए भी जीरो नहीं हो पाए। कितना क्लियर है बात, हाथ रहे दो, रेज योर हैंड्स। ओके, तो ध्यान थोड़ा देखो, थोड़ा सा मैं इजी टॉपिक बोलता, अब यहां से छोड़िए, तो ऑब्वियसली थ्रू एक्सक्लूजन वी कैन से यस यहां हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा इसको हम बात करें। अगेन सी सी व्हाट इज हैपनिंग टू यू, सी सेज अगेन ई ए इज रिपेलिंग मी, फोर्स ऑन सी बाय ए, एंड बी इज अट्रैक्टिंग मी, अब हो सकता है ये स्मॉल है बट नियर है, क्योंकि कूलम्ब फोर्स इनवर्सली होती है ना स्क्वायर डिस्टेंस, और ये लार्ज है लेकिन थोड़ा फार अवे है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपने फाइनल क्या करना है कि जब दो ऑपोजिट किस्म के चार्जेस हो, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, लेकिन स्मॉलर चार्ज के बाहर की तरफ, दोनों एक तो बीच में नहीं आएगी और स्मॉलर चार्ज की वाली साइड पे आएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इज इट क्लियर? यहां आपने माइनस फोर को स्मॉलर नहीं मान लेना, माइनस प्लस आर जस्ट सिंबल्स, आप जानते हैं। तो फिर वी आर रेडी टू डू ए शॉर्टकट की तैयार कर रहा हूं आपके लिए, अगर कि आपको क्वेश्चन ही ना करना पड़े। अच्छा, ये चाहे माइनस क्यू वन है चाहे प्लस क्यू टू है, बोर्ड पे देखते रहो, बोर्ड पे देखते रहो, चाहे ये प्लस क्यू वन है और माइनस क्यू टू है, इसको देख के भी पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन विल नॉट बी बिटवीन देम, इट विल बी आउटसाइड, आइदर द आउटसाइड टुवर्ड्स क्यू वन और द आउटसाइड टुवर्ड्स क्यू टू। लेकिन मुझे अभी मैंने क्यू वन क्यू टू लिखा है तो कोना किधर, आउटसाइड होगा स्मॉलर की तरफ, तो फिर मैं क्यू वन को स्मॉलर बोलने लगा हूं यहाँ पर, कि हमने क्यू वन बोलना है किसको है, वीडियो ऑन, अच्छा मेरे पास फ्रीज हुआ शायद मेरा लैपटॉप, जस्ट वेट, हां आप लोग मेरे साथ हो ना, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल, फाइन फाइन ठीक है। तो आपने इसको स्मॉलर बोल देना है, तो कहता है यहां से एक्स डिस्टेंस पे अगर वे प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज रख दें और स्मॉलर की तरफ, तो मैं सीधा शॉर्टकट बना रहा हूं बच्चों, डी अपॉन रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन माइनस वन। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे वादा किया था क्राइम करवाऊंगा, तो रीजन है वहां पे रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन प्लस वन था, ये रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन माइनस वन है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन है कि x किसको बोला है, x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, और स्मॉलर किसको बोला है हमने, क्यू वन को बोला है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी,
अच्छा प्लस टू ले लो या माइनस ले लो, फर्क नहीं पड़ता, दो किलोग्राम में आएगा एनी चार्ज। ये एमसीक्यू है मान लो, तो मान लो आपको यहाँ पे अंग्रेजी लिखनी है, शॉर्टकट आपके सामने है, आप इसको कितना समझ पाए हो बस इतना समझ। तो माइंड इट, यहाँ पे आपने साइन नहीं लगाया रूट के अंदर, नो साइन। शाबाश, गुड। अंधेकर आंसर दिया, आई डोंट नो ठीक है गलत, कोई क्वेश्चन नहीं। आई होप सभी को इतना पता चल गया होगा कि हमने क्या करना है, स्मॉलर की तरफ एक्स डिस्टेंस बोल देना है और इसको क्यू वन बोल दो, हमारे शॉर्टकट के अकॉर्डिंगली स्मॉलर को क्यू वन बोलना है और यहाँ पे ये देखना है, ये एक्स निकाल, ये पॉइंट पी है सी, जहां पे कोई भी चार्ज रखे फोर जीरो। तो हमने अपना शॉर्टकट इन्वोक किया डी, तो जितनी मेहनत हमने की है उसकी वजह से हमारा टाइम बच गया। क्यू टू नाइन ही साइन नहीं बोला जैसे मैंने आपको बोला था, माइनस वन 15 मीटर रूट नाइन माइनस वन, जान मुझ के स्टेप थोड़े बढ़ा रहा हूं, माइनस वन सेवन पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, दैट्स ग्रेट। चलो अपना पोस्टर चेंज कर लो, लंबी सांस ले लो। रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, स्क्रीन से अटेंशन डाइवर्ट कर लो। ये दोबारा भी आएंगे शॉर्टकट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तभी सिमिलर, पोटेंशियल्स के क्वेश्चन होंगे तो थोड़े मिलते जुलते। अब हम स्ट्रेट लाइन से बाहर आते हैं, अभी एक और एग्जाम्पल इसमें
यहाँ पे हमने ऑल चार्जेस इन इक्विलिब्रियम का उत्तर कि क्यू भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में। तो पहले तो हम शॉर्टकट का फायदा उठाते हैं। फर्स्ट है फॉर क्यू, ये अब सिमिलर वापस आ गए वहां पे, बीच में हो सकता है। फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, लेक्चर रिवाइज करना बड़ा जरूरी है, कुछ लिखते ना, x will be equal to d upon q2 q1 plus 1, that is 9, और जिससे डिस्टेंस लिया है वो q1 है, ये q2 है 9 मीटर, q2 कितना 4e upon e plus 1, root 4 plus 1, 2 प्लस वन, थोड़ा सा ड्रामा कर रहा हूँ जानबूझ के, ड्रामा इन द मैथमेटिक्स के स्टेप्स, बड़े पीछे 3 मीटर आ गए। चलो जी कुछ तो काम हुआ, यहां से 3 मीटर पे रखें तो ये जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये 3 मीटर है तो ऑफ कोर्स 6 मीटर, इसका मतलब ये तो फ्रीज हो गया, चार्ज रखा कहां, ये तो पता चल गया। और ये कंडीशन किसके लिए है, इसकी कितनी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, ये इक्विलिब्रियम में है ना। ओके अब हम चाहते हैं इनमें से कोई एक पकड़ना है, ये या ये, कि बी भी इक्विलिब्रियम में हो। तो पहले डायग्राम नया बनाते हैं, थोड़ा सा वहां पे रश हो गया, यहां से ये 9 मीटर है, यहां से ये 6 मीटर है, फिर क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों को, ठीक है। चिराग मैं तुमसे आंसर चाहता हूं, गलत तो ठीक है, नो इशू, ठीक है, नो वरीज, कॉन्शियस भी नहीं होना, आंसर जरूर देना है। फॉर बी टू बी एन इक्विलिब्रियम, कोई और बच्चा आंसर नहीं देगी, रेडी देखते हैं। साइन ऑफ क्यू शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे रात दो आंसर का बात नहीं, ठीक गलत जैसा भी, सर नेगेटिव, बिल्कुल कोई बिल्कुल बात भी करो, क्यों लगता है तुम्हें नेगेटिव होना चाहिए, थोड़ी मैं पहले जानना चाहता हूँ जरा, यस बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव सर, शायद पॉजिटिव होगा, रिपेल करेगा ना दोनों साइड से, नहीं तो थोड़ा सा मैं तभी मुझे डाउट आ गया ना कि कोई इशू नहीं है, इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। तो अब बात हो रही है बी की, तो बी से पूछूंगा बी तुम्हें क्या हो रहा है, मुझे क्यू का तो पता नहीं है, तो कौन है, क्योंकि क्यू के इक्विलिब्रियम पे क्यू की साइन क्या फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ऑपोजिट है तो ऑपोजिट फोर्स लगा देंगे इसको, सॉरी दोनों सेम है तो उसको बैलेंस कर देते हैं। लेकिन अब अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, ए तो इसको ऑलरेडी रिपेल कर रहा है, ये सिंपल फोर्स ऑन बी बाय ए, बी मैं पूछ रहा हूं बी तुम्हें क्या हो रहा है, तो बी कहता है ए तो मुझे रिपेल कर रहा है, ये बताइए, तो भैया तू इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है अगर सारे तुझे रिपेल करेंगे, तो इसका मतलब क्यू जो है ये इसको अगर क्या करे अट्रैक्ट, तो बात बनेगी, ये पॉसिबल तभी है कि अगर ये फोर्स ये क्यू इसको तभी अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव तभी अट्रैक्ट कर सकता है अगर ये खुद कैसा होगा नेगेटिव। और मैं ऐसा क्यों अट्रैक्ट क्यों करवाना चाहता हूं,
इक्विलिब्रियम होना मतलब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट होनी चाहिए। रेज योर हैंड्स, कितना क्लियर है वाली बात, ये नेगेटिव क्यों है? प्रति वेयर आर यू? बस ठीक है, फिर अब क्या करना है थोड़ा सा काम। तो अब हमने साइन नहीं लगाने, तो जो डायरेक्शन रेली रेली, तो क्यू हमने नेगेटिव अपनी तरह से बना दिया पहले ही, तो क्यू शुड बी नेगेटिव। फाइनल आंसर जब आएगा तो हम उसे नेगेटिव बोल देंगे। अब मेरा फर्स्ट बनता है बी और ए के बीच में फोर्स। बी और ए 9 मीटर पे बैठे हुए और बी और सी जो है वो 6 मीटर पे बैठे हुए हैं। के फोर ई इंटू ई अपॉन 9 स्क्वायर, के फोर ई इंटू क्यू अपॉन 6 स्क्वायर। माइंड इट, यहां साइन नहीं लगाना, आ चुका अपने आपको। तो मेरे पास आ गया फोर ई कट गया, ई भी कट गया, सिक्स स्क्वायर। आई होप मैंने यहाँ पर देखो, बट ओवर फोर ही कट गया, बिल्कुल ठीक है। इट गिव्स मी क्यू इज इक्वल टू 6/9 माइनस, हमने अपनी तरफ से लगा देना और एक ई आना भी साथ में ना। नहीं है, 6 स्क्वायर ही है। हाँ, कोई गलती कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मुझे। यस सर, अब पहले गलती कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा। 6 स्क्वायर ही आएगा ना, क्या चल ठीक है? यस सर, माइनस साइन लगा, 4/9 हो जाएगा। -4/9 ये बोर्ड में भी आ सकते हैं बच्चों। बोर्ड का एग्जाम भी फिजिक्स का इजी नहीं होता। हर साल जब ये खबर आती है कि अगर कई बार होता है ना, न्यूज ऐसे आती है, तो इस साल मैथ का पेपर टफ था GCSE में, तो अगर वो न्यूज आ जाए ना इस साल फिजिक्स का पेपर टफ था, तो वेरी डेंजरस, मतलब बहुत मार्क्स कम हो जाते हैं बच्चों के। तो एनीवे, हम तो ये सोच के पढ़ना ही नहीं है कि बोर्ड है क्या है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी होनी चाहिए, सब कुछ अपने आप ही लेंगे होते जाएंगे। तो दिस इज इसके लिए, यस दैट्स ऑल। हम सभी को फॉर्मूला आता है, अगर कोई ए वेक्टर हो, बी वेक्टर हो, हमें थीटा एंगल हो, उसका रिजल्टेंट इज, बुरा ना माने जिनको आता है, बस फटाफट लिख के खत्म कर रहा हूँ, के बी कॉस थीटा, सब सबको आता है, ठीक है। देयर इज एन एग्जांपल, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लिखते जाओ, मीडियम स्पीड से लिख रहा हूँ इसको। ये सबको दिख रहा है कि ये वाली ट्रायंगल जो है, कैसी है? इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल भी एंगल 60 डिग्री तीनों का होगा, तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ऑन ए ढूंढनी है,
से पूछे तुझे क्या हो रहा है, ए करता है मुझे बी धकेल रहा है। तो अब जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा वो डाउट रहता है तो जिस पर पूछी हो ना वहां मार्कर पर रोक दो, वहां पेन पे। तो पूछो ए इसको अपनी तरफ खींच रहा है या दूर भेज रहा है, दूर भेज रहा है तो ये लो। किसका एरो बनाया, फोर्स ऑन ए बाय सी का। ए से दोबारा पूछा सी का कर रहा है तुझे, कहता सेम चार्ज है तो यहाँ यही रखा ऑन ए पे, ऑन ए तो सी किस पर धकेल रहा है। सॉरी पहले फोर्स ऑन ए बाय बी था, मोशन हो गया। दिस इज आसान क्वेश्चन में गिना जाएगा लेकिन, और ये एंगल कितना 60 डिग्री। तो बाई चांस दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ये भी क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर है, ये भी क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर है। फोर्स ऑन ए बाय बी का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन ए बाय सी का मैग्नीट्यूड से एफ दैट विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन, मैंने दोनों को एफ बोल दिया, नहीं होते तो यहाँ चलो आपको क्यों कंफ्यूज करना, मैंने कहीं कोई बच्चा भी सकता छोटा बच्चा, ये भी के क्यू स्क्वायर पहले नहीं बोलता बाद में बोल देता हूँ। इसको ऐड कर लेते हैं, जिन्होंने कर लिया है मुझे थोड़ा सा वेट करें। आई वांट टू इंक्लूड ऑल, इधर भी है, इधर भी है, इधर 60, तो इन दोनों का रिजल्ट है ये F9 will be equal to A square plus B square plus 2AB cos theta, F square plus F square plus 2F square into 1 by 2 cos 60 1 by 2 होता है, देखो नहीं पता फिर तो बात ही क्या है ना, रूट फिगर भी स्पिटरिंग के लिए नोट इज ऑब्वियस थिंग्स को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, ए क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस विल बी फोर्स ऑन एनी चार्ज, अगर ये इसको तो कहेगा तो इसके भी यही आएगी, सेम आएगी। माइंड ध्यान से देख लो क्या 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 चेंजेस आ रहे हैं, जिनके प्लस वन में वेक्टर्स कमजोर हैं वो प्रैक्टिस करें, उनसे पूछें। अब नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में इसको फर्क पड़ता है आपको, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू है वहां प्लस प्लस के सारे, तो 2 मिनट आप लोगों के लिए, 1-1.5 मिनट।
जाओ, कहाँ घूमोगे सारे आप लोग? तो चिराग तुम देखो ध्यान से बेटा, कोई बात नहीं है, देखो अपना जीवन आप ही ऑन है। ए तुम्हें क्या हो रहा है? ए कहता है बी इज रिपेलिंग मी। ए के ऊपर रखो ये फोर्स ऑन ए बाय बी। फिर ऐसे पूछो तुम्हें सी क्या कर रहे हैं? रखो ये, ये तुम्हें सी क्या कर रहे हैं? ऑन ए ठीक है। ये बाकी बच्चों मुझे बताते हैं, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा है मुझे, वो आपकी प्रैक्टिस भी कम है। तो ये आ गया फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन ए बाय सी, इतनी सी बात है। अब होना क्या है कि यहाँ पे 120, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, उस वजह से ये वाला एंगल जो आ रहा है ना 120 डिग्री आपको। तो आप देखोगे फोर्स ऑन ए बाय बी, जो प्लस माइनस से दे रहा था वो डायरेक्शंस देनी थी दे दी। फोर्स ऑन ए बाय सी, वो भी दोनों इस बार भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, इसको हम एफ बोल देंगे। अगर कम ज्यादा होती तो भी हमारे पास तरीका है। तो मेरे लिए अब क्या हो गया, मैंने ए से इस तरह पूछा तो यहां भी है, यहां भी है और एंगल इज 120। तो इसका मतलब रिजल्टेंट आने वाला है ये, दिस इज अ रिजल्टेंट, इसी में एफ नेट बोलने वाला हूं, 120 डिग्री एंगल है। एफ नेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कौन है वो भी एफ है, वो भी एफ है, 2ab cos theta, f into f cos 120। आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे cos 120 नहीं पता, कोई बात नहीं, फ्यूचर में इसे याद होना चाहिए, इट इज माइनस 1/2। f net f square plus f square प्लस 2f स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू हाउ मच। तो इसका मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगी एफ नेट, दैट इज इक्वल टू जो इन दोनों की इंडिविजुअल फोर्स है k q square upon a square. Is it clear to all of you? सुबह सुबह थक गए होंगे थोड़ा सा, लेकिन एक दो एग्जांपल और कर रहे हैं, then we'll finish up. उससे आप करने लायक हो जाओगे और कुछ नहीं। रेजोल्यूशन मेथड कि अगर फोर्सेस सेम ना होती तो भी तो कुछ करना पड़ता। यहां पे आ गया प्लस टू क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, सी द डिफरेंस ना हो दो दो चीजें। तो आपको हर तरह से तैयार करने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाई है। अभी मुझे फोर्स ऑन ए चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लूंगा कि फोर्स ऑन सी बाय ए विल बी के क्यू इंटू टू क्यू। टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फोर्स ऑन सी ए भैया, पता नहीं क्या करें, थक मैं भी गया हूं ना, मुझे भी सुबह सुबह का फोर्स ऑन ए बाय बी ए, और ये फोर्स ऑन ए बाय सी, ये क्यू क्यू है, अब हम इन दोनों को अभी तक हमें आदत पता क्या थी, तो वो आदत छुड़वाना चाह रहा था आपसे कि दोनों सेम है, तो उनको ऐसे भूल दिया था हमने, और इस बार तो सेम नहीं है, ये k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ये टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, अगर एक को f बोलेंगे दूसरे को 2f बोलना पड़ना है।
मेरे साथ आओ, बोर्ड पे देखो। इस केस में ना आपको यू नीड टू टेक द कॉम्पोनेंट्स, रीजन वरना आपको डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम आएगी। जो तो ज्यादा प्रैक्टिस वाला बच्चा है उसको कोई बात नहीं है, इसकी कम है एक्स और वाई। अब आपको ये 60 डिग्री एंगल, हाँ इट इज अप टू यू कि अब ये जो फोर्स है इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, सिमिलरली इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो व्हाट विल यू डू, मैं फिर थोड़ा सा अभी भी आसान करने के लिए लाइफ अपनी, अगर इसको एफ बोलता हूं तो इसको मुझे 2F बोलना पड़ना है और मैं यहां से इसको निकाल दूंगा। इट इज एक्स, इट इज वाई एंड इट इज 2F 60 डिग्री, इट इज एफ 60 डिग्री। मैंने ए को यहां से उठा के बाहर ले आया ताकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सुंदर हो जाए। मैंने इसको एफ बोला था तो यहाँ 2 का कॉम्पोनेंट वो मल्टीपल था तो 2F हो गया। एफ का इधर कॉम्पोनेंट, जिसको कॉम्पोनेंट नहीं आते मुझे वो अलग से पूछ ले, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, ये आ गया आपका कॉस 60 कितना होता है एफ बाई टू, और साइन 60 इट इज रूट 3/2। सिमिलरली 2F का इधर कॉम्पोनेंट तो वी आर बस हम अब तो मजदूरी कर रहे हैं। 2F का इधर टू एफ साइन 60 टू एफ 3/2 √3f. नेक्स्ट स्टेप दिस विल गिव अस अ फाइनल आंसर। प्राप्ति वेयर आर यू, हैविंग ब्रेकफास्ट? F net will be equal to three by two F का square plus √3/2F का square। F net, F common 9/4 plus 3/4 under the root। कितना आंसर आ रहा है बच्चे बता रहे? गुड। ये पठानकोट में नेटवर्क ठीक हुआ बेटा, सैन का तो ठीक हो गया। तो अभी भी व्हाट अबाउट द टैन थीटा,
perpendicular upon base, the tan theta will be equal to one by root three. तो थीटा कितना आ गया मतलब tan 60 रूट थ्री tan 30 30 क्या ये तो बड़ा प्रॉपर दिस इज़ आंसर इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई होप एंड शुड बी वेक्टर रेजोल्यूशन अगर आपको आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यहाँ पे हम लास्ट टू एग्जांपल्स आज की करते हैं स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन करवाना है मैंने बच्चों एंड तो इसका है नहीं एग्जांपल्स को आई गिव यू क्वेश्चंस हम रहो उस मोड में कि आप ही ने करने हैं सर तो वैसे ही फालतू में कराई जाने यू कैन अंडरस्टैंड कि एक बार थोड़ा सा और बढ़ गया स्क्वायर है स्क्वायर बोलना क्यों जरूरी है रोम्बस में सकती है तो क्वेश्चन होता है आमतौर पे फोर्स ऑन ऑन मेनी एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस ये ए बोल देते हैं बी सी एंड डी तो पॉइंट फोर्स On A. जिसकी प्रैक्टिस करोगे उसे पता चल जाएगा ऑन ए के सिर के ऊपर बैठ जाओ ऐसे लेकिन ए को बी रिपेल करेगा ए को डी भी रिपेल करेगा ए को सी भी रिपेल करेगा तो कर लो बात तो स्क्वायर है अगर तो 45 डिग्री होगा थोड़ा सा फास्ट फोर्स ऑन ए एंड बी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फोर्स ऑन ए एंड डी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा रूट टू में पाइथागोरस लगा दिए हमने जैसे आप बोल दें फोर्स ऑन ए बाय डी कितना होगा के क्यू स्क्वायर रूट टू ए का स्क्वायर टू ए स्क्वायर जब पर टू एफ मैं क्यों बोल देता हूं आपको पता ही ना इतनी बड़ी फिगर को लेकर चलते रहे दिमाग खराब करते रहना देयर आर टू मेथड्स नाउ एक सिंपल है कि उसमें हमें जो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है मैं ए पे आया तो मैंने अपनी ड्राइंग अपने हिसाब से बनाने लगा इधर है और इधर f by 2 method 1 हमें तीनों का रिजल्ट चाहिए ना तो method 1 में क्या करें जिनको नाम पता हो प्लीज आस्क मतलब चैट भी लगी करो माइक्रोफोन भी आप यूज कर सकते मैं सिर्फ ये f by 2 तो है ही है इधर 45 है इसे छोड़ दिया मैंने उस साइड पर है इस एफ और इस एफ का क्या बनेगा तो मुझे अपनी प्लस वन की नॉलेज से पता है कि ये बीच में बीचों बीच जाएगा सिमेट्रिकल कितने एंगल पे 45 पे और इसका रिजल्ट रूट टू एफ होगा जिसको ना पता हो है ना दिस विल बी बिल्कुल एफ और एफ का मतलब रूट टू एफ पहले मैं और भी छोटा जाने लगा था लेकिन अब इतना मानना पड़ेगा तो व्हाट इज द पॉइंट हियर तीन फोर्सेस हैं एफ एफ
एंड एफ बाय टू, इनका रिजल्ट निकालना था। इस एफ और एफ का ये रिजल्ट निकाल दिया, हमने कहा इस एफ और एफ का इधर रूट टू एफ आ गया, तो इसका मतलब द सिचुएशन इज इधर एफ बाय टू ऑलरेडी है और एक रूट टू एफ आ गया। तो शायद मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो कई बार बच्चा कंफ्यूज भी होता है, मैं ज्यादा स्टेप्स बना रहा हूं। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं, आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एक तो इस शेप में आंसर होगा नेट फोर्स का, राइट, और किस डायरेक्शन में, एक बार ना आपसे वो मेरे साथ है ना आई कैप जे कैप में पूछ लेगा, इसको अगर हम x एक्सिस बोलते हैं, आई कैप जे कैप में ऐसा बोल रहे हैं, तो एफ बाय रूट टू का थोड़ा सा बड़ा करता हूं उसको मैं डायग्राम को, तो इसको नहीं छेड़ना, इसके कॉम्पोनेंट आ जाए, एफ बाय टू कॉस 45 एफ बाय टू ए बिकॉज cos 45 होता है 1 बाय रूट 2, ये बन गया f बाय 2 रूट 2, ठीक है, इसका इधर कॉम्पोनेंट sin 45 f बाय 2 रूट 2, ओके, और f ऑलरेडी था, बिल्कुल, तो इसका मतलब इधर एक f ऑलरेडी है और एक f ही है, f प्लस f बाय 2 रूट 2। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे ना क्वेश्चन कर चुके होते हैं, फाइनल आंसर भी मैच कर रहा होता है उनसे, बस ये x की तरफ है और ये y की तरफ है, तो हमने लिख दी है नेट फोर्स। तो इसे भी मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करता हूं कि f नेट इज इक्वल टू f प्लस f बाय 2 रूट 2 i कैप f प्लस, हालांकि मैं इसको और सिंप्लीफाई f दो बार लिखना पड़ रहा है मुझे, कोई इशू नहीं है, अब लिख दिया j कैप इस फॉर्म में, तो थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे, f नेट f प्लस f बाय 2 रूट 2 i कैप प्लस j कैप, या f यहां पे और कॉमन आ गया 1 प्लस 1 बाय रूट टू आई कैप प्लस जे कैप, आंसर में भी इन एनी फॉर्म। आपको ये भी एमसीक्यू मिल सकता है और कहीं कहीं ये भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, और आपके लिए ये आपका प्लस माइनस की हेर फेर ठीक करने के लिए, कूल होके करना, जल्दबाजी ना करना,
इट इज अगेन अ स्क्वायर. Find net force. जो क्यू के ऊपर चार्ज यहाँ पड़ा हुआ चार्ज दो पे, ये चारों कितनी फोर्स लगा रहे हैं इसको, एबीसीडी ये ढूंढ लिया कितनी फोर्स लगने वाली है, फोर उसको. हिंट यह कि यहां रखो मास्टर को, पेन को, और देखो ऑन क्यू. डू योर बेस्ट, करवा मैं रहा हूं लेकिन आपको जीवन तूने ड्रॉ करा ये क्वेश्चन, तू तो मूवी देख मूवी मोड में आ गया. हाँ जी सर. तूने ड्रॉ नहीं करा क्वेश्चन अभी तक कॉपी पे? नहीं सर, मैं यही पे कर लिया था, अभी कर लेता हूँ. बिल्कुल ऐसा मेरी कभी नहीं करना, ठीक है? ओके. बल्कि जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप भी ड्रॉ करोगे, मूवी नहीं देखनी. जरूरत पड़ेगी आर की, बट भी ए बाय रूट टू दिस इज फर्स्ट स्टेप है ना, तो आप कहने की बात नहीं. अब मेजर पॉइंट था जिन बच्चों को, मतलब मुझे, मतलब इतने साल हो गए तो पता है डायरेक्शन वाली साइंस सब में नहीं होती, मुझे भी कई तरह की साइंस नहीं है, कम होती है, तो सीखते हैं हम. और फिर हमारा बिल्डअप कैसे हुआ, कौन क्यू, क्यू तुम्हें क्या हो रहा है भाई, भाई पूछो ए पहले यही करना है. ए कहता मुझे खींच रहा है, तो मैं सिर्फ और कौन खींच रहा, ए खींच रहा है. बी क्या कर रहा है, बी भी मुझे खींच रहा है, बड़ी अच्छी बात है अपनी तरफ क्योंकि मैं प्लस हूं. सी क्या कर रहा है, सी कहता मुझे अपनी तरफ खींचने की बजाय अपने से परे धकेल रहा है, प्लस है, प्लस है. ओ डी, डी भी कहता प्लस है,
तो क्यों कहता है कि वो मुझे खींच नहीं रहा, ना ना ऐसे। और अगर आपने टेंथ फ्रॉम से पास करी ली है तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। डायगोनल ऑफ स्क्वायर और एट 90 डिग्री। और सिचुएशन आपको बड़ा क्लियरली बता रही है, ए की फोर्स, बी की फोर्स, सी की फोर्स, डी की फोर्स इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर को भी हमने निकाला ही हुआ है, इट इज ए बाय रूट टू का स्क्वायर। तो रूट टू ऊपर आ गया, के टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसको एक बोल दें तो मेरे जिंदगी आसान हो जाएगी। कोई बच्चा मुझ पर नजर रखे मैथमेटिक्स का, अपना अपना करे वो, फिर मैं वही अपना पुराना तरीका, इसको ये एफ, उसको भी एफ, उसको भी एफ, उसको भी एफ, 90 पे ओवरऑल जो 2f 90 पे, तो रिजल्टेंट विल बी रूट टू टाइम्स 2f, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इधर रिजल्ट आ गया 90 डिग्री पे ना। तो f कितना था, और डाउनवर्ड फोर्स आ रही है, एफ थोड़ा आया फोर रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिख दिया है, देखते हैं। अनंदिका ने पहले कुछ लिखा, पहले शायद ठीक लिखा या गलत लिखा, गलत गलत कर दिया कुछ अनंदिका ने, चेक करें ना, मेरा चेक करो, मेरा बताओ। सैम का भी आंसर मुझसे मैच नहीं कर रहा है, कौन गलत है कौन ठीक है इसमें से, आए जल्दी आओ। तो अनंतिका कंफर्म करो, आप भी लिख के दोबारा, सैम आप भी कंफर्म करो मैथमेटिक्स को, मुझे गलत ही डाल दो, कोई इशू नहीं है, मैथमेटिक्स ही है ना, कई बार 2 2 2 का 4 हो गया, 1 2 का 4 हो गया। पहली बात तो R is okay, R is a by root 2, Q square नहीं है बेसिकली, सॉरी आपने अभी तक कोई शेयरिंग नहीं किया, Q है। दूसरा चलेगा Q Q है, ऊपर 2 आ गया, अच्छा मेरी गलती भाई पता चल गई, जल्दी बताओ जी बच्चों। So first one is correct. First one मतलब yours 4 root 2. First one match कर रहा है ना अनंतिका तुम्हारा और मेरा, है ना? फिर आपका answer सही है। Yes. Okay. Yes. Anyway, just हाँ कोई ऐसी बात नहीं। Thanks to you people कि आप पूरा ध्यान से करते हो calculations. तो things will हाँ कुछ tricks हैं जो मैं आपसे share करूँगा next class में, जो हमने प्लस वन वेक्टर्स करे हुए हैं, पेंटागन के क्वेश्चंस, मतलब पॉलीगन के क्वेश्चंस, उसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं सिखाऊंगा, तो आपका समय बचेगा कंपटीशन में। लेकिन इन प्रिंसिपल का मतलब वेक्टर्स की बात करनी हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करनी हो, तो क्वेश्चंस का तो लिमिट नहीं है, एंड नहीं है, तो वैसे टॉपिक हमारा फिनिश है, राइट? इसके बाद टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पर हम बात करेंगे। उससे पहले 15 मिनट की मैं आपको एग्जाम्पल दोहरा करवाऊंगा। तो आज मैं आज जो आपसे शीट शेयर करने जा रहा हूँ
चिराग एंड जीवन आप पास करके, आप आई होप बुरा नहीं मानोगे, इन बच्चों की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा है जैसे सैम नंदिका प्राप्ति की, तो आपके थोड़ी सी प्लस वन की प्रैक्टिस कम है, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो यू में फील टफ थोड़ा सा, कम आंसर आ रहे हैं जो मैं आज शीट दूंगा, तो उस पर जद्दोजहद करो, मुझसे डाउट पूछो, लेकिन दैट इज अप्लाई। तो चिराग मतलब आपको मैक्सिमम मेहनत करनी है इस पर एंड कम बैक टू मी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है, तो शॉर्टली आई विल बी पोस्टिंग। कल क्लास नहीं है बिल्कुल, ऑल्दो आई मे ट्राई टू टेक, बट कल के एवज में आज भी है, तो ठीक है, आपका होमवर्क भी कवर करो आप, सैटरडे को क्लास होगी हमारी रेगुलर टाइम पे, तो दैट्स ऑल। हाँ जी बेटा सर, सर आपने जब ये आंसर निकाला आपने आर को रूट टू ए लिया था क्या? ए बाय रूट टू लिया मैंने, ए बाय रूट टू, ओके सर, है ना? यस सर, ए बाय रूट टू लिया था, टू फिर बता लगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप सारे बच्चे सेम, तू भी अनंदिका भी, सारे बच्चे प्राप्ति जीवन, मैथमेटिक्स आपका मेरे से बढ़िया होना चाहिए, आप कॉपी पे कर रहे होते हो, तो फुल अलर्ट उस वक्त, एड्रेनलिन लेवल थोड़ा हाई रखा करो आप लोग, मेरे से तो यहाँ गलती हो गई, मुझे तो माफी है ना, तो मैंने फिजिक्स सिखा दी आपको, तो टू का रूट टू तो लेके पेपर में आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी की आदत होनी चाहिए, इधर से थोड़ा अलर्ट मोड में, ऐसे ऐसे वाले मोड में नहीं सॉल्व करना, ऐसे वाले मोड में अलर्ट मोड में टू रूट टू, ताकि इट इज रिक्वायर्ड, आप कोशिश करो कि आपका फर्स्ट टाइम नहीं मैथमेटिक्स से गया है, पॉइंट नोटेड। मैं भी बताऊं एज ए स्टूडेंट अगर मैं लग जाऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंस रहता, आप ही देखते हैं कहां गलती होती है मेरे से, कई बार सर वो आपने टू नहीं लिखा, सर आपने रूट टू लिखा, टू लिख दिया थी, तो वो कौन सी मिस्टेक होती है, मेरा ब्रेन रिलैक्स होता है ना, मेरा ब्रेन उस तरफ होता है कि मैं तो बच्चों को पढ़ाना है और समझा दिया और मुझे पता समझ आ गया, मेरा ब्रेन रिलैक्स मोड में चला जाता है, तो कैलकुलेशन में वो एरर कर देता है। आपका ब्रेन स्टूडेंट्स का पूरा, मैं जब मैंने वर्ड यूज़ किया लेवल हाई होना चाहिए, जैसे पूरे ध्यान में नहीं, एक ही बार में टू रूट टू स्क्वायर, गलती ना हो तो अच्छा, अभी एग्जाम में तो वहां पे लिमिटेड टाइम है, तो फर्स्ट टाइम में ही कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आंसर गलत होना चाहिए, ओके फाइन। तो होमवर्क सारे चिराग जीवन आपके डाउट आने चाहिए मुझे, अभी जो आज और होमवर्क देने वाला हूँ, तो टाइम लगाओ, तो इस संडे को टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और मैं बताता हूँ आपको टेस्ट क्या है। टेस्ट है, इट विल बी सिंपल वन, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमने किया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पोटेंशियल ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, इवन मैं आई बिलीव यू आज भी किया ना, आज तक का जो भी सिलेबस है, आज तक जितना भी हमने किया है आज तक के, तो राइट सैटरडे को डाउट्स भी जाएंगे, तो संडे को आपका टेस्ट है, दैट इज आज तक के सिलेबस का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तक। गुड नाइट, बाय बाय।